ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आप सुबह उठे हो बट उठने के बाद बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही है, बहुत ज्यादा लेजीनेस फील हो रहा है, होता है ना ऐसा। इसके साथ साथ ऐसा भी कितनी बार हुआ है कि आप सुबह उठने की कोशिश तो करते हो, मेहनत तो करते हो, सोचते हो कि सुबह जल्दी उठेंगे बट आपकी सुबह नींद ही नहीं खुल पाती। इसके साथ साथ जब हम पढ़ने जाते हैं तो कितनी बार पढ़ते टाइम हमें नींद आने लगती है। ये जो प्रॉब्लम है ना, आज के समय पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। तो आखिर इसके सोल्यूशंस क्या है, चलिए आज जानते हैं वैदिक साइंस की मदद से इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन। सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग हो बट नींद तो आती ही। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल स्लीप व्हाइल दे आर स्टडी। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने इस चीज को बहुत ही पहले बता रखा था। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखो ये जो प्रॉब्लम्स है ना कि आप नींद से उठते हो, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता, उसके साथ साथ हम कितने प्लान्स बनाते हैं ना, सोचते हैं ना कि डेली ये करेंगे वो करेंगे, सुबह कल से जल्दी उठेंगे बट सुबह तो नींद ही नहीं खुल पाती। उसके साथ साथ जैसे ही पढ़ने जाते हो कितनी ज्यादा नींद आने लगती है, आलस आने लगता है, लेजीनेस होने लगता है। ये जो प्रॉब्लम है ना, वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग ये सारी प्रॉब्लम्स पता है क्यों आती हैं? आपके गलत तरीके से सोना, गलत टाइम पे सोना और वो जो आप डेली लाइफस्टाइल जो आप फॉलो कर रहे हो ना, उसकी वजह से। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। याद करो जब बिल्कुल छोटे से थे, जब आपको स्कूल जाना हो, एकदम छोटे आप बच्चे थे, जब आप फर्स्ट सेकंड क्लास में थे, आपको स्कूल जाना होता था, याद करो वो टाइम। उस समय पर जब आप सुबह उठते थे तो आप कितने अच्छी तरीके से फ्रेश होकर उठते थे। क्या उस समय पर जब आप सुबह उठते थे आपको थकान महसूस होती थी? नहीं होती थी, है ना? क्यों? क्योंकि जब हम छोटे थे ना तो हमारी जो लाइफस्टाइल था ना वो बहुत अच्छा था, है ना? हमारे पास मोबाइल फोन नहीं रहता था ज्यादा, जिस वजह से क्या होता, जब हम सुबह उठते थे तो बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ उठते थे। बट अब हो क्या गया है, क्योंकि हम एक तो गलत टाइम पे सो रहे हैं, उसके साथ साथ मोबाइल फोन का यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो क्या गया है कि हमारी जो एनर्जी है ना वो सारी यहाँ निकल जाती है और जब हम सुबह उठते हैं बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। अब ये प्रॉब्लम तो आप सबको पता है, आज जानते हैं इनके वैदिक सॉल्यूशंस, वैदिक साइंस की मदद से इनके सॉल्यूशन जानेंगे। पांच सॉल्यूशन है और देखो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन है। इसको भी एक सिंपल सी कहानी से समझाता हूँ। देखो एक बार ना एक रिसर्च की गई थी, दो लोग थे, दोनों एक जैसे इंसान थे, दोनों दो स्टूडेंट्स ही थे। एक स्टूडेंट को बोला गया कि यार तुम ना एक रूटीन को फॉलो करो, तुम क्या करो कि यार तुम ना 8 या 10 घंटे सो, डेली तुम 10 घंटे सो बट ना तुम अलग अलग टाइम पर सो। कभी तुम ऐसा करो कि तुम रात को 10 बजे सो जाओ, कभी तुम 11 बजे सो जाओ, कभी तुम 1 बजे सो जाओ, कभी तुम 2, कभी तुम 3, कभी तुम 4, एक महीने तक अलग अलग टाइम पे सो बट सोने तुम्हें 10 घंटे हैं, ठीक है। और दूसरे एक स्टूडेंट को बुलाया, वो भी उसका जैसा सेम था, और उसको जाकर बोला यार तुम बस 7 घंटे सो, केवल 7 घंटे हर रोज बट एक सेम टाइम पे सो, कि ठीक है यार 10 बजे हर रोज आपको नींद लेने चले जाना है और केवल 7 घंटे बाद उठ जाना है। मतलब एक का रूटीन फिक्स कर दिया और एक का रूटीन फिक्स नहीं करा, एक को बोला कि कभी भी जाकर सो। अब पता है जब रिजल्ट आए ना एक महीने बाद, तो आप सुनके शॉक हो जाओगे, क्योंकि ये जो वो स्टूडेंट था ना जो कि अलग अलग टाइम पे सो रहा था, उस स्टूडेंट का जो ब्रेन पावर थी, उसका जो कंसंट्रेशन लेवल था वो कम हो गया। जबकि वो स्टूडेंट जो कि कम सो रहा था, केवल 7 घंटे सो रहा था बट एक टाइम पे सो रहा था, हर रोज एक डेली स्केड्यूल को फॉलो कर रहा था, उसकी ब्रेन पावर इंक्रीज हो गई, उसकी कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो गई। अब वो जब पढ़ने जाता था ना तो उसे आलस नहीं आता था, अब जब वो सुबह उठता था ना तो उसकी नींद ऐसे नहीं खुलती थी कि थकान महसूस हो रही है, नहीं, उसके पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती थी। तो यही हमारा पहला पॉइंट है जो कि वैदिक साइंस के अकॉर्डिंग प्रूवन पॉइंट है, जो कि है डेली रूटीन। देखो डेली रूटीन बनाना पड़ेगा यार, और ये वैदिक साइंस भी बोलती है। पुराने जमाने में ना देखो सबका एक ही टाइम होता था कि सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, 6 बजे उठ रहे हैं। अब आज के समय पर बिल्कुल हम सुबह 4 बजे तो नहीं उठ सकते बट एक टाइम बना लो सोने का कि आप 10 बजे सोगे, 9 बजे सोगे, 11 बजे सोगे, चाहे 12 बजे सो बट हर रोज सेम टाइम पे आपको नींद लेने जाना है। अगर डेली रूटीन बना लोगे ना, उससे होगा क्या, आपकी बॉडी की जो क्लॉक है, जो बॉडी की साइकिल है, वो एकदम फिक्स हो जाएगी। फिर आप देखना एक महीने बाद ऑटोमेटिकली आपके अंदर एनर्जी आने लगेगी, जब सुबह उठोगे ना तो आप एकदम एनर्जी के साथ उठोगे। ट्राई करके देखो, ट्राई करके देखो, और आज से इसको ट्राई करना स्टार्ट करो। और देखो एक कमेंट आप करके मुझे आज बताना कि आप आज से कितने बजे फिक्स सोना स्टार्ट करने वाले हो। वो 10 बजे हो सकता है, 9 बजे हो सकता है, 11 बजे हो सकता है, 12 बजे, 1-2 बजे, कितने बजे हो सकता है, बट फिक्स एक टाइम बना लो और उस टाइम को कमेंट कर दो, ताकि आपको याद रहे कि हाँ इस समय पर मुझे एक महीने के लिए सोना है, मतलब सोना है, ठीक है। तो एक फिक्स टाइम बनाओ और अभी के अभी वीडियो पॉज करके कमेंट में कर देना। ये थी हमारी पहली टेक्निक। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टेक्निक की तरफ, जो कि है 5 सेकंड रूल। देखो ये रूल एक वैदिक ट्रिक है जो कि ये बोलती है कि जिंदगी के जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो आपको 5 सेकंड के अंदर लेने पड़ेंगे। अगर आप 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाते हो तो ये जो आपका दिमाग है ना ये आप पे हावी हो जाता है। एग्जाम्पल से समझाता हूं। इमेजिन करो आपने सोचा कि यार आज तो मैंने बिल्कुल बेकार तरीके से पढ़ाई करी, कल से पढ़ाई करूंगी, और आपने सुबह अलार्म लगा दिया सुबह 6 बजे का, ठीक है। अब आप सो गए, सुबह अलार्म बजा, जैसे ही आपका अलार्म बजा तो आपकी आंख खुली और आपने मोबाइल देखा कि यार सुबह के 6 बज गए।
अब आपको 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लेना है। 5 सेकंड के अंदर आपको अलार्म को बंद करके खड़े हो जाना है अपने बेड से। अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा लगा दिए, अगर आपने ये सोचा कि यार थोड़ी देर और है ना, अभी उठूं या ना उठूं, थोड़ी देर सो लेता हूं, 5 मिनट सो लेता हूं, 10 मिनट सो लेता हूं, अगर आपने 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लिया तो ये जो दिमाग है, जो आपका मस्तिष्क है, ये आप पे हावी हो जाएगा और ये आपसे बोलेगा अरे छोड़ यार इतना जरूरी भी नहीं है, थोड़ी देर बाद उठ लेंगे। और आपको भी पता है वो थोड़ी देर बाद कब, वो 2-3-4 घंटों में बदल जाता है, पता भी नहीं चलता। फिर आपकी नींद डायरेक्ट ही 9-10 बजे खुलती है, होता है नहीं। तो इस वजह से याद रखना वैदिक साइंस क्या बोलती है, 5 सेकंड रूल। जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, सुबह उठना है, फटाफट से 5 सेकंड के अंदर डिसीजन लो, ठीक है यार उठ जाओ 5 सेकंड के अंदर। 5 सेकंड से ज्यादा टाइम लगाया तो मैं बता रहा हूं ये दिमाग आपके ऊपर हावी हो जाएगा। तो याद रखना 5 सेकंड रूल और इसको भी फॉलो करना, मजा आ जाएगा और वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना कि नींद नहीं खुल पाती, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी थर्ड टिप की तरफ, जो कि है ब्लड सर्कुलेशन ट्रिक। देखो, और ये तो वैदिक साइंस नहीं, नॉर्मल साइंस भी बोलती है कि जिसकी बॉडी में जितना ज्यादा खून का फ्लो होगा, जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा, वो उतना ज्यादा एनर्जेटिक होगा, और जिसकी बॉडी में जितना कम ब्लड फ्लो होगा वो उतना ज्यादा लेजी होगा। ये तो हमारी साइंस भी बोलती है ना, जो मॉडर्न साइंस है वो भी बोलती है कि जिसका हीमोग्लोबिन कम होता है वो बहुत ज्यादा लेजी फील करता है। अब देखो होता है ना कि आप पढ़ने जा रहे हो और कभी कभार हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमें नींद आने लगती है बार बार, है ना, हमें ऐसा लगने लगता है कि यार बहुत नींद आ रही है, जाकर सो जाता हूँ, आधे घंटे सो जाता हूँ, 2 घंटे सो जाता हूँ, है ना, ऐसा लगने लगता है ना। तो उसका सलूशन क्या है? उसका सलूशन है ब्लड सर्कुलेशन एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 1-2 एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। जब भी आपको नींद आए, जब भी आप पढ़ रहे हो और आपको लग रहा है यार नींद आ रही है, तो पता क्या करना, अपने ईयर्स को ऐसे पिंच करना, ऐसे दबाना, यहां से यहां से यहां से। अभी एक बार ट्राई करो, मेरे साथ एक बार ट्राई करो, तो आपको लग रहा होगा ना कान थोड़े से गर्म हो गए, ईयर थोड़े से गर्म हो गए। इसका क्या मतलब है? यहां से अब ब्लड सर्कुलेशन आएगा और ब्लड आपके ब्रेन की तरफ जाएगा, जिससे कि आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो जब भी आपको नींद हो रही हो ना, तो ऐसे करना। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं कि आप खड़े हो जाओ टेबल से और थोड़ा बहुत मूव करो। मूव करोगे तो बॉडी मूव करेगी, बॉडी मूव करेगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो नींद खत्म हो जाएगी। उसके अलावा एक और ट्रिक होती है कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, इमेजिन करो आप लाइब्रेरी में बैठते हो, तो आप खड़े तो हो नहीं सकते, बैठ के पढ़ाई करनी है, तो आप एक नोटबुक लो और जो भी आप लेक्चर देख रहे हो ना, तो उस नोटबुक में कुछ भी लिखते रहो, है ना, कुछ भी लिखते रहो, रफ में लिखते रहो। जो हम लिखते हैं ना, तो हमारा हाथ चलता है, जो हमारा हाथ चलता है तो मसल मूव होते हैं, मसल मूव होते हैं तो क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन। तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये वैदिक साइंस की एक ऐसी टेक्निक है जिससे आपकी नींद भाग सकती है। तो जब भी नींद आए, इन एक्सरसाइजेस को कर लेना, नींद भाग जाएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी फोर्थ नंबर ट्रिक की तरफ, जो कि है ईट लेस मोर टाइम। देखो, एक आपको साइंस समझाता हूं, इसके पीछे की जो साइंस है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, इमेजिन करो आप गए और आपने बहुत सारा खाना खाया, आपने बहुत सारा खाना खा लिया, पिज्जा बर्गर सब खा लिया, ठीक है। अब आपका खाना सारा पेट के अंदर है और आप सोचते हो कि यार ठीक है खाना वाना खा लिया, अब मैं ना पढ़ने जाऊंगी। अब आप पढ़ने बैठे, 10 मिनट के अंदर अंदर आपको नींद आने लगती है। होता है, क्यों होता है? इसके पीछे की साइंस ये है, जब हम बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं तो हमारी बॉडी का सारा ऑक्सीजन जाता है उस खाने को डाइजेस्ट करने में। अब इमेजिन करो आपके ब्रेन से ऑक्सीजन पेट के अंदर चला गया, अब जब ऑक्सीजन ही कम हो गया आपकी बॉडी के अंदर, तो क्या आप कंसंट्रेशन से पढ़ पाओगे? नहीं, आपको नींद आएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो वो जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना पुराने टाइम पे कि खाना खाते ही पढ़ने मत जाना बोलते थे ना, ये पता है क्यों बोलते थे? उनको पता थी ये साइंस, उनको ये वैदिक साइंस पता थी कि जब हम खाना खाएंगे तो सारा ऑक्सीजन जाएगा उस खाने को डाइजेस्ट करने में और हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, हमें नींद आएगी। तो इस वजह से अब करना क्या है, सलूशन क्या है? सलूशन ये है कि देखो, कम खाना खाओ बट बार बार खाओ। जैसे कि आप क्या कर सकते हो, अगर आप 2 टाइम खाना खाते हो तो 4 टाइम खाना खाना स्टार्ट करो, ठीक है। एक सुबह खाओ, फिर लंच करो, लंच 2 बार कर लो, फिर डिनर करो, पर कम कम खाना खाओ, है ना, थोड़ा बहुत खाना खाओ। उससे क्या होगा, कम खाना खाया पढ़ने बैठ गए, नींद नहीं आएगी। अगर खाना कम होता है तो ऑक्सीजन भी कम जाएगा, ऑक्सीजन कम जाएगा तो एनर्जी रहेगी, है ना। तो अब ये याद रखना कि बहुत ज्यादा खाना खाकर पढ़ाई करने मत बैठ जाना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोग ना इसको इग्नोर कर देते हैं। बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, पढ़ने बैठते हैं, फिर नींद आती है। मैंने लोगों को देखा है जो कि खाना खाते ही पढ़ने बैठते हैं, ये तो करना ही नहीं है ना। अगर पॉसिबल है तो, अगर तुम ज्यादा खाना खाते हो ना, तो ऐसा करो कि थोड़ा बहुत वॉक कर दिया करो, उसके बाद पढ़ने जाएगा, ताकि थोड़ा बहुत खाना डाइजेस्ट हो जाए, उसके बाद तुम्हारा दिमाग चले, वरना दिमाग नहीं चलेगा, नींद ही आएगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट टिप की तरफ, जो कि है डार्क एनवायरनमेंट। देखो, ये वैदिक साइंस में प्रूवन है कि हमारी जो आंखें होती है ना, आंखें, इनके अंदर कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। समझाता हूं मैं आपको, हमारी आंखें जो है ना, वो बहुत जरूरी चीज है। हमारी आंखों के पास एक ऐसी पावर है, पावर समझाता हूं मैं आपको। हमारी आंखों के पास, जैसे ही सूरज की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी आई, हमारी आंखों को पता चल गया कि सूरज की रोशनी है, तो हमारी आंखें ना दिमाग पे सिग्नल पहुंचा देती हैं कि भाई दिन हो गया भाई, दिमाग जी थोड़ा सा ना एनर्जेटिक हो जाओ, थोड़ी एनर्जी ले आओ। तो आपका दिमाग एनर्जेटिक हो जाता है, आपकी लेजरनेस भाग जाती है। और जैसे ही अंधेरा होने लगता है ना, हमारी आंखों को पता चल जाता है कि अंधेरा हो गया, अब वो आपके दिमाग की तरफ सिग्नल भेजती है कि भाई अब ना रेस्ट करने का टाइम आ गया, तो दिमाग जी थोड़ा सा ना लेजीनेस हो जाओ, थोड़ा लेजी हो जाओ, है ना।
अब ये प्रॉब्लम कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब आप कोई ऐसे कमरे में पढ़ रहे हो जिस कमरे में लाइट ही नहीं है, कम लाइट वाले कमरे में पढ़ रहे हो। जब आप कम लाइट वाले कमरे में पढ़ते हो ना, तो आपकी आंखों को ये लगता है कि यार रात हो गई भाई, लाइट इतनी कम है। अब जब उसको लग रहा है रात हो गई, तो वो सिग्नल क्या भेजेगी आंख दिमाग के ऊपर कि भाई रात हो गई है, थोड़ा बहुत लेजी हो जाओ, जिस वजह से आपको नींद आती है। तो इस वजह से याद रखना, डार्क एनवायरनमेंट में मत पढ़ो, है ना, ऐसे कमरे में मत पढ़ो जिसमें कि बहुत कम रोशनी है। ट्राई करो तो जहां पे सूरज की रोशनी आती है वहां पढ़ो, वरना एक ऐसे कमरे में जिसमें बहुत अच्छी लाइट हो। कम लाइट वाले कमरे में तो पढ़ना ही नहीं है। अगर तुम्हारे कमरे में लाइट कम है तो एक लाइट और लगवा दो। मैं बता रहा हूं, ट्राई करके देखना, नींद नहीं आएगी। ये 5 वैदिक टिप हैं। और इसके साथ साथ एक फाइनल मैं अपनी पर्सनल टिप तुम्हें दे देता हूं। पर्सनल टिप मेरी है, जो कि मैं फॉलो करता था जब मैं अपने एग्जाम की तैयारी करता था और मुझे नींद आती थी, तो मैं क्या करता था, मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था। मेरे एक दो फेवरेट गाने थे तो मैं उनको सुनता था, और मोटिवेशन सॉन्ग थे तो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम पे सुनता था। अचानक से मेरे पास एनर्जी आ जाती थी, फिर मैं आराम से 1-2 घंटे पढ़ लेता था। तो जब भी आपको ऐसे नींद फील हो रही है, लेजीनेस फील हो रहा है, जो आपके मोटिवेशनल सॉन्ग है, जो गाना आपको बहुत पसंद है, उसको सुनो और एनर्जी आएगी। फिर एनर्जी को यूज करके फिर पढ़ना आराम से, थोड़ी देर पढ़ोगे आराम से पढ़ाई आपकी हो जाएगी। तो ये जो 5 वैदिक टिप्स है ना, इनको यूज करना। और मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने इनको सही में यूज करा ना, 1 महीने के अंदर ये नींद वाली समस्या खत्म हो जाएगी। ऑन दिस नोट, शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। इस वीडियो को अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर कर देना, ताकि उसकी भी मदद हो पाए। टेक केयर, बाय बाय।